Several areas in the national capital and the national capital region received moderate to heavy rain on Friday morning as well, leading to waterlogging in some locations. A thick blanket of clouds also covered the city and adjoining areas, reducing visibility in certain pockets. Now, the Met Department has also issued an orange alert from the national capital amid a forecast that rain will continue to lash the national capital till 28th of July. Areas such as Nauroji Nagar, Bikaji Kama Place, Shanti Path, Ashram, Anand Vihar and Malai Mandir area in Delhi and several locations in Noida experienced a fresh spell of rain early in the morning. देश की राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों से लगातार जो है वो हल्की बारिश हो रही है, लेकिन हल्की बारिश जिस तरीके से अब लोगों के लिए अभिशाप बनती जा रही है उसकी तस्वीर का अंदाजा आप मिंटो ब्रिज के इस पानी के बहाव से लगा सकते हैं कि देखिए पानी का बहाव कितना तेज है और इस पूरे इलाके को बैरिकेड से बंद कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे इलाके में जो पानी का जो जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है वो सीधे जो है वो मिंटो ब्रिज की तरफ ये पानी का बहाव जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि मिंटो ब्रिज के चारों तरफ जो है दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि यहां पर किसी भी तरीके से गाड़ियों का आवागमन ना हो सके। तो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं मिंटो रोड से, जो ये महत्वपूर्ण ये चौराहा है जहां एक तरफ आईटीओ दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होते हुए ये सड़क जो है ये सीधे कनॉट प्लेस की तरफ जाती है। और देखिए जल बहाव की स्थिति ये देखिए कि किस तरीके से सड़कें भी जो है वो टूटने लगी है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि सड़कें टूट रही है और पानी का बहाव जो है वो काफी तेज है। वहीं दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं मिंटो रोड के अलावा इस चौराहे से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ की, जहां ये सड़क आईटीओ की तरफ जाती है, तो यहां भी तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर भी पानी का काफी ज्यादा बहाव है, इसलिए यहां पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई भी जो लोग हो वो मिंटो ब्रिज की तरफ ना जा सके। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डीडीयू मार्ग की, जो आईटीओ की तरफ से आने वाली सड़क है, इसमें भी देखिए कि कितने लंबे जो है रास्ते में पूरे जाम की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि पूरा ये जो इलाका है वो जल जमाव की समस्या से इस वक्त जूझ रहा है। सीवर ब्लॉक हो चुके हैं, शायद यही वजह है कि सीवर के देखिए ऊपरी हिस्से से पानी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके की जल जमाव की स्थिति बनी है उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह मानी जा सकती है कि यहाँ पर जो सीवर है वो क्लियर नहीं है और इस वजह से पानी की निकासी में समस्या आ रही है, और वो पानी जब निकलने में उसी समस्या आ रही है तो वो पानी जो है सड़कों पर देखने को मिल रही है। यानी जिस तरीके से राजधानी वासी जो है वो लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे ताकि वो मॉनसून का लुत्फ उठा सके, लेकिन ऐसे में जब ये जल जमाव की स्थिति उनके लिए अभिशाप बनती दिखाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि फिलहाल जो है दिल्ली वासियों के लिए ये जो जल जमाव है, जल भराव है, ये उनके लिए एक बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। We'll keep tracking all the developments. For the moment, a quick break. Stay on with us.